हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि ये CSR होता क्या है भाई, है ना। CSR के क्योंकि जैसे ही हम अंडर ग्रेजुएशन क्रॉस करते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन क्रॉस करते हैं, तो हमको ये ऊपर ऊपर पता रहता है कि नेट होती हैं, प्रोफेसर बनते हैं, ये वो दुनिया, हमको सब चीज़ जैसे हमको ऊपर ऊपर नॉलेज होती है। इसके बारे में कोई हमको ज़्यादा उतने बताने वाले होते नहीं, कोई एक आध दो टीचर हमको मिलते तो वो हमको बताते हैं। बेसिकली जो CSR होते हैं वो स्टूडेंट्स को लेक्चरशिप देता है, और LS है ना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी देता है और लेक्चरशिप देता है। माइनिंग कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, ठीक है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप मतलब आप रिसर्च करोगे, आपका समझिए कि आप पीएचडी आप कर रहे हो, सीधी बात, ठीक है। तो उसके भी आपको फ़ायदे हैं। और दूसरी चीज़, आपको लेक्चरशिप दिया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि आप एलिजिबल हो, किसी भी कॉलेज में जाकर, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर आप पढ़ा सकते हैं। और जैसे कभी आपके स्टेट में AP यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की पेपर होती हैं तो आप उसमें अटेंड कर सकते हैं, ये उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर हम देखें आगे इसके बारे में, तो इसको कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, लाइक जो BS 4 ईयर्स किए हैं, BE BTEC या BPharm MBBS, इंटीग्रेटेड BS MS है ना, MSc या फिर इक्विवेलेंट डिग्री जैसे कि BSc ऑनर्स, ऐसे स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। जिसके और इनकी जो परसेंटेज होनी चाहिए मिनिमम 50-55% होना चाहिए मिनिमम। इसकी जो क्राइटेरिया है वो है कि आपको अपने PG में, आपको UG PG दोनों मिला के, दोनों में अलग अलग सॉरी कि आपको UG में भी और PG में दोनों में कम से कम 55% तो होना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि जॉइंट CSR UGC NET इज टेस्ट बींग कंडक्टेड टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स एंड फॉर लेक्चरशिप्स लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना। यहाँ पे दिया ऑब्लिक करके असिस्टेंट प्रोफेसर दिया हुआ है इन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। तो वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया कि आप GRF के लिए एलिजिबल हो, और लेक्चरशिप मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको लेक्चरशिप देते हैं वो लोग। आप कहीं भी अगर आपके पास नेट क्वालिफाइड रहेंगे तो आप पूरे भारत भर में कहीं भी आप रहते हो, वहाँ की यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाकर अपने सब्जेक्टेड, है ना, आपके जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार आपको वहाँ पे लेक्चरशिप दिया जाएगा। अब आगे हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से सब्जेक्ट होती हैं, CSR कौन कौन से सब्जेक्ट को कंडक्ट कराता है। उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि ये जो CSR एग्ज़ाम होता है वह साल में 2 बार होता है, ठीक है, साल में यह 2 बार होता है। एक लगभग जुलाई के समय होता है, ठीक है, मई जून जुलाई इस समय उसके फॉर्म आ जाते हैं और जुलाई के आसपास उसकी एग्ज़ाम हो ही जाती है। दूसरा जो होता है वो दिसंबर जनवरी के आसपास होती है, ठीक, ये है इसका कि इसके डेट हम की कब होते हैं ये। और इसकी जो वैलिडिटी है, द वैलिडिटी ऑफ क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट्स ऑफ लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर इज़ फॉर एवर, मतलब आपको एक बार अपने क्वालिफाई कर लिया तो वो फिर आपके लाइफ टाइम के लिए रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक साल के बाद वो एक्सपायर होगा, तो इसकी आप चिंता मत कीजिएगा। CSR हैज़ इंटरेस्टेड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग जॉइंट CSR UGC NET। यहीं पे वह चीज़ लिखा गया जो हम पहले बता चुके हैं कि पहले CSR UGC अलग अलग लेते थे, अब जॉइंटली उसको कौन ले रहा है, NTA ले रहा है। तो वही चीज़ लिखा रहा है कि दिसंबर 2022-23 को NTA उसको कंडक्ट, दिसंबर 2022-23 से समझिए, अब यही NTA जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो अब कंडक्ट करेगा CSR और UGC दोनों के एग्ज़ाम को। द स्टिपेंड ऑफ GRF सेलेक्टेड थ्रू CSR नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी 31,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। In addition, annual contingent grant of 20,000 per fellow will be provided to the university / institutions. यहाँ पे यही बोला गया है कि जो भी students GRF clear करते हैं उनको 31,000 per month, है ना, first 2 years, केवल 2 साल के लिए, पहले 2 साल में 31,000 देंगे और 20,000 per fellow will be provided to the university. आगे हम देखें, ऑन कम्प्लीटिशंस ऑफ 2 ईयर्स, अगर आपने 2 साल का GRF कर लिया और आपने PhD के लिए रजिस्टर्ड कर लिया गया आपको, तो
तो आपको फिर सीनियर रिसर्च फेलोशिप दिया जाएगा, SRF बोलती हैं इसी चीज़ को। और जो आपको 31,000 मिल रहा था उसमें 4,000 का इजाफा होगा, आपको 35,000 पर मंथ दिया जाएगा। अब बाकी आपको जब तक PhD चलता है, लाइक थर्ड 3 साल या जो भी है आपका आगे के लिए, आपको फिर 35,000 दिया जाएगा। तो ये हो गया CSR के बारे में समथिंग कुछ चीज़ें। लाइक ये आपको क्या प्रोवाइड कराता है, दो चीज़ हमने जाना है कि आपको यह जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, और एक लेक्चरशिप। लेक्चरशिप में आपको समझ में ये आ गया होगा कि लेक्चरशिप मीन्स आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर मीन्स कि एज अ गेस्ट टीचर बोल सकते हैं कि आप एज अ गेस्ट टीचर एज अ प्रोफेसर आप पढ़ा सकते हो। आप परमानेंट नहीं रहेंगे, ठीक है, आप परमानेंट नहीं रहेंगे, आप पढ़ा सकते हो नेट क्वालिफाइड होकर के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जहाँ पे वैकेंसी खाली होगा। पहली चीज़ तो अगर वहाँ पे वैकेंसी खाली होगा तो आप जाके पढ़ा सकते हैं और एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि आपकी स्टेट PSC जो भी एग्जामिनेशन लेती है PSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप उसमें एलिजिबल होते हैं और वो आपको फिर पोस्टिंग देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंस यही है, अगर आप नेट निकाल के आप किसी कॉलेज में पढ़ाते हो तो हम बोल सकते हैं कि आपकी जो जॉब सिक्योर नहीं रहेगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप परमानेंट नहीं रहेंगे, आपको कभी भी निकाल सकते हैं। जब अगर कोई इंसान PhD करके या सॉरी अगर आपको कोई PSC क्लियर करके कोई आया रहेगा और उनकी पोस्टिंग होगा तो आपको निकाला जा सकता है। ये थी CSIR से संबंधित कुछ जानकारियाँ, CSIR से संबंधित विषय और उनके सिलेबस की आगे की जानकारी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे।